नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार। साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं कि किस दिशा के मकान में रहने से होती है आपकी तरक्की। कौन सी राशि वाले लोगों के लिए किस दिशा के मकान होते हैं फलीभूत, होते हैं लाभदायक। साथियों, चार प्रकार की दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कहा जाता है कि पूर्व मुखी मकान और उत्तर मुखी मकान काफी फायदेमंद होते हैं, वहीं पश्चिम मुखी मकान को थोड़ा अशुभ माना जाता है और दक्षिण मुखी मकान को तो सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वह दक्षिण मुखी मकान को या दक्षिण मुखी दुकान को लेने से पहले 10 बार सोचता है, काफी संकोच करता है। साथियों, मेरा मानना है कि कोई भी दिशा खराब नहीं होती। कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें पूर्व मुखी मकान, तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें उत्तर मुखी मकान फलीभूत होते हैं, वहीं कुछ राशियां ऐसी भी होती है जिन्हें पश्चिम मुखी मकान के अंदर सफलता मिलती है, और वहीं कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें केवल और केवल दक्षिण दिशा के मकान में ही भाग्योदय होता है, दक्षिण दिशा की दुकान या दक्षिण दिशा के मकान ही फलीभूत होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस दिशा के मकान में रहना चाहिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, वास्तु क्या है। वास्तु इज व्हाट, वास्तु का मतलब होता है आपके घर में रोशनी और हवा का पर्याप्त मात्रा में होना। तो यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है या आपका मकान पश्चिम मुखी है, तो आप उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में खिड़कियां दे दीजिए, वेंटिलेशन दे दीजिए, ताकि आपके घर में हवा और रोशनी का सर्कुलेशन बराबर मात्रा में होता रहे, हवा और रोशनी का प्रभाव बड़ी मात्रा में होता रहे। ऐसा करने से आपके मकान का काफी हद तक वास्तु दोष निवारण हो जाएगा। साथियों, आपका मकान पूर्व मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो या दक्षिण मुखी हो, इसका कोई महत्व नहीं होता। इससे कहीं अधिक महत्व होता है आपके घर के इंटरनल वास्तु का। जी हाँ साथियों, आपके घर के आंतरिक वास्तु का। आपके घर में आपने पूजा का घर किस दिशा में बना के रखा है, आपने किचन किस दिशा में बना के रखा है, टॉयलेट्स किस दिशा में हैं, खिड़कियां और वेंटिलेशन आपने किस दिशा में बना के रखे हैं, आपके बच्चों का बेडरूम कहाँ पर है, आप किस दिशा में सोते हो, यह होता है आपके मकान का इंटरनल वास्तु। यदि ये सही है तो 90% तक आपके मकान का वास्तु सही होता है। फिर भले ही आपका मकान दक्षिण मुखी हो या उत्तर मुखी हो, पश्चिम मुखी हो या पूर्व मुखी हो। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर कि आपकी राशि के अनुसार आपको किस दिशा के मकान में रहना चाहिए। मेष राशि। साथियों, मेष राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल की जो दिशा होती है वह होती है दक्षिण दिशा। साथियों, मेष राशि वाले लोगों के लिए दक्षिण दिशा का मकान या दक्षिण दिशा की दुकान काफी लाभप्रद मानी गई है। मंगल ग्रह के परम मित्र ग्रह होते हैं सूर्य, और सूर्य ग्रह की दिशा होती है पूर्व, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए पूर्व दिशा भी फायदे का सौदा होती है। इसलिए मेष राशि वाले लोगों को या तो दक्षिण दिशा में मकान बनाना चाहिए या पूर्व मुखी मकान बनाना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह की दिशा होती है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण मतलब ईस्ट और साउथ का कोना। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आग्नेय कोण की दिशा में बनाया गया मकान लाभप्रद होता है। शुक्र ग्रह के परम मित्र हैं शनि ग्रह, और शनि ग्रह की दिशा होती है पश्चिम, तो वृषभ राशि वाले लोग यदि पश्चिम मुखी मकान में भी रहते हैं तो यह उनके लिए फायदेमंद होता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध, और बुध ग्रह की दिशा होती है उत्तर दिशा। इसलिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उत्तर दिशा का मकान या उत्तर दिशा की दुकान काफी फलीभूत होती है। वहीं बुध ग्रह के परम मित्र होते हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह की दिशा होती है आग्नेय कोण, तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आग्नेय कोण का मकान या आग्नेय कोण की दुकान भी लाभदायक हो सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की दिशा होती है वायव्य कोण। वायव्य कोण मीन्स साउथ और वेस्ट का कोना, जिसे वायु कोण कहते हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए वायु कोण का मकान काफी फलीभूत होता है। चंद्रमा के परम मित्र ग्रह है सूर्य, और सूर्य ग्रह की दिशा होती है पूर्व, इसलिए कर्क राशि वाले लोग यदि पूर्व दिशा के मकान में भी रहते हैं तो यह उनके लिए फायदेमंद होता है। सिंह राशि।
सिंह राशि के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, और सूर्य ग्रह की दिशा होती है पूर्व, इसलिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूर्व दिशा के मकान काफी फलीभूत होते हैं, काफी लाभदायक होते हैं। सूर्य ग्रह के परम मित्र होते हैं गुरु, और गुरु ग्रह की दिशा होती है ईशान, तो ईशान कोण में रहने से भी आपके लिए फायदा ही होगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध, और बुध ग्रह की दिशा होती है उत्तर, तो कन्या राशि वाले लोगों को उत्तर दिशा के मकान काफी फायदेमंद साबित होंगे। वहीं बुध के जो परम मित्र ग्रह हैं वे है शुक्र, और शुक्र की दिशा होती है आग्नेय कोण, तो आप आग्नेय कोण के मकान में भी रह सकते हैं, और यह आपके लिए फायदे का सौदा होता है। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह की दिशा होती है आग्नेय कोण, तो आपको आग्नेय कोण में अपने मकान का मुख देना चाहिए। आपको ऐसा मकान खरीदना चाहिए जिसकी दिशा आग्नेय कोण में आती हो। आग्नेय कोण मीन्स ईस्ट और साउथ का कोना। शुक्र के परम मित्र ग्रह होते हैं शनि, और शनि की दिशा होती है पश्चिम, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए पश्चिम दिशा के मकान भी फायदेमंद होते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल की दिशा होती है दक्षिण, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दक्षिण दिशा के मकान काफी शुभ माने गए हैं। वही मंगल ग्रह के परम मित्र होते हैं सूर्य, और सूर्य ग्रह की दिशा होती है पूर्व, तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए पूर्व दिशा भी फायदेमंद होती है, पूर्व दिशा भी लाभदायक होती है। धनुराशि, धनुराशि के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु, और गुरु ग्रह की दिशा होती है ईशान कोण, ईशान मीन्स नॉर्थ और ईस्ट का कोना, तो जिन लोगों की धनुराशि है उन लोगों को ईशान कोण में अपना मकान बनाना चाहिए, ईशान मुखी मकान लेना चाहिए। मकर, मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि, और शनि ग्रह की दिशा होती है पश्चिम, इसलिए मकर राशि वाले लोगों के लिए पश्चिम मुखी मकान हमेशा फायदेमंद होता है। शनि ग्रह के परम मित्र ग्रह है शुक्र, और शुक्र ग्रह की दिशा होती है आग्नेय कोण, इसलिए शुक्र ग्रह की दिशा में यानी कि आग्नेय कोण में भी यदि आप अपना मकान बनाते हो तो मकर राशि वाले लोगों के लिए ऐसा करना लाभदायक होता है। कुंभ, कुंभ राशि वाले लोगों के भी स्वामी ग्रह होते हैं शनि, और शनि ग्रह की दिशा होती है पश्चिम दिशा, तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पश्चिम दिशा के मकान या पश्चिम दिशा की दुकान काफी फायदेमंद साबित होती है। शनि ग्रह के मित्र ग्रह होते हैं शुक्र, और शुक्र की दिशा होती है आग्नेय, तो आग्नेय दिशा में भी आप अपनी दुकान या मकान का चेहरा रख सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं गुरु, और गुरु ग्रह की दिशा होती है ईशान कोण, इसलिए मीन राशि वाले लोगों के लिए हमेशा ईशान कोण का मकान या ईशान कोण की दिशा हमेशा फायदेमंद साबित होती है। गुरु ग्रह के मित्र होते हैं सूर्य, और सूर्य ग्रह की दिशा होती है पूर्व, इसलिए मीन राशि वाले लोगों को पूर्व दिशा का मकान भी काफी फलीभूत होता है, काफी फायदेमंद साबित होता है। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।